अमेजोन से मैंने परचेस किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो है मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये वाला हैंडल बार पे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज आपके लिए और एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो दोस्तों मेरे पास है ना Insta360 हाल ही में मैंने परचेस किया था, तो मेरे पास है ना जूना वाला हैंडल बार होल्डर था, तो वो मुझे काफ़ी सारी दिक्कत दे रहा था क्योंकि मैं उसके ऊपर स्टिक जब माउंट करता था तब स्टिक पूरा हिल जाता था, और दो बार मेरा कैमरा मतलब गिरते गिरते बच गया। तो दोस्तों अभी मैंने एक दूसरा माउंट मंगाया है, तो वो काफ़ी सारा यूज़फुल है, मैं आपको लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो अभी थोड़ा सा आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉग सेटअप में। और दोस्तों टैंक के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैचेस है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था तो मिला नहीं था दोस्त, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाले। तो चलो बाकी की बातें मोटो व्लॉग सेटअप में आके करते हैं। तो दो दिन वीडियो क्यों नहीं आया पता है आपको? दो दिन है ना बारिश ऐसी गंदी वाली गिर रही थी ना यार, आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी बारिश जाने का टाइम है तो बारिश बहुत सारी गिर रही है, दो दिन ऐसी गिर रही थी ना भाई लोग, आप सोच नहीं सकते कि इतना पानी भर गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल हो गया था, इतनी बारिश गिर रही थी। आज थोड़ा मौसम खाली है, आप देख सकते हो पूरा खाली है, मतलब सुबह से ही तो गिर रही थी बारिश, बट ठीक ठाक है, इतनी बारिश नहीं हो रही है। और कैंप लगाया हम लोग ने, तो बोला चलो चलते, और बारिश का नाम लिया हाजिर होगी। देखो हल्की हल्की सी बारिश भी गिर रही है बूंदे, और मुझे डर लगता है यार मेरा एक गोप्रो का बाहर निकालने के लिए बारिश के टाइम पे, एक तो वैसे भी तंगी चल रही है, बजट नहीं है उतना, और ये बारिश गिरती जा रही है तो मैं निकालता नहीं इसको बारिश के टाइम पर। और ये बहुत दिक्कत करता है इसका माइक, और हमारा माइक तो बिक गया था एक टाइम पर, तो अभी दो फिलहाल है मेरे पास और एक नया मंगाया, तीन है, तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ अलग अलग, जिससे अच्छा साउंड रिकॉर्ड होता है ना उस वही यूज़ करता हूँ मैं, अभी इससे भी अच्छा खासा साउंड रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों अमेजन से हम लोग ने Insta360 के लिए एक पार्ट मंगाया था स्टिक के लिए, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, तो अभी पहले पार्सल आया है वो पिक करते हैं, फिर साइट पे जाना है, फिर आपको दिखाऊँगा मैं इंस्टॉल करके वो कैसे वर्क करता है। फिलहाल दोस्त के यहाँ पर रख दिया है, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग का पार्सल। भाई मेरा पार्सल है क्या? देना भाई। अरे उस हाँ उसका नंबर है मेरे पास, मैं उसको पेमेंट भेज देता हूँ। देख भाई देख, ये हमारा दोस्त, क्या वाट लगाया तेरा भाई, मैं हल्का ही तो। अरे वो क्या है पता है, ऐसे बनाना पड़ता है रे वीडियो, और कुछ हाँ वो काम था ना इसलिए गया था मार। अरे क्या बोलूँ तेरे को, अभी सर्दी जुकाम हो गया, बीमार था ना। नहीं रे वो थोड़ी गड़बड़ है ना वो सोच। अरे तेरे को भूल के केदर जाऊंगा मैं, तू अपना जिगरी दोस्त है यार। क्या तू भी क्या गुंडा बनेगा तू? अरे तू सुना नहीं, कान में एक पकौड़ा डाल, बाद में आके मिलता हूँ ठीक है? चलो इथे नाही हँडल मध्ये गुतव तू, चल चलते। तो भाई लोग हम लोग का पार्सल मिल गया अपने को, तो क्या है पता है, अब तो शाम को आने के टाइम पे थोड़ा सा आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं,
थोड़ा कॉस्टली है बट है, यूज़फुल है। क्या पता है अगर ये आप ये वाला माउंट लोगे ना और स्टिक इसके ऊपर आपको स्क्रू टाइट करना पड़ता है, तो वो उसका नीचे वाला टाइट करने के रहता है, उसके थ्रेड भी गए हैं तो वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने सोचा चलो ठीक है वही मंगा लेते। अभी क्या है पता है, अभी बारिश है ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, और बारिश के टाइम पे बारिश बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना, हल्की हल्की गिर जाती है तो कुछ चल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ज़्यादा गिरती है ना कल की तरह तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है कोई ना, कर लेंगे मैनेज आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। और ये अभी रास्ता बनाया हुआ था, रास्ते का कोई वारंटी नहीं दे देता है बारिश के समय। यार इधर खड्डे का कुछ करना पड़ेगा यार, दिक्कत हो जाती है बहुत सारी, दिमाग ख़राब हो जाता है। अरे यार ये इस साइड पर बारिश नहीं यार, अभी क्या है पता है ऐसे ही बारिश गिरती है, कई मतलब एक साइड गिरती है एक साइड नहीं गिरती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। मतलब आप सोचोगे कि यहाँ बारिश नहीं है, आगे जाके तो बारिश मिल जाती है, कहीं कहीं बारिश गिरती है कहीं कहीं नहीं गिरती है। मेरा है ना जुकाम था ना, सर्दी जुकाम, तो आवाज़ पे थोड़ा इफेक्ट हो गया मेरे, चल जाता है, संभाल के देना दोस्तों। एक मास्क नहीं पेन देना, एक मास्क आणि पेन ठीक है। चलो ओ मेरी आपकी आँख, ये इंडिकेटर है ना साला वर्क नहीं कर रहा है, ये बारिश के टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा क्या हो गया इसको। बारिश के टाइम पे प्रॉब्लम होते ही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रॉब्लम यही है, अगर आप बारिश में यूज़ करोगे ना प्रॉब्लम हो जाती है वो। क्या है बहुत दिन के बाद इस साइड आया हूँ मैं, मतलब ये सिटी में आता हूँ, इससे आगे कभी गया नहीं मैं ज़्यादा, बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ। पहले इस साइड ज़्यादा काम होता रहता था मेरा, अभी नहीं होता है, लगा था हो जाएगा 10 बजे काम। यार ये अच्छा हुआ लेट निकला मैं, 10 बजे का टाइम था और खाली फुकट वहाँ पे 1 घंटा रुकना पड़ता, अभी इतना घंटा 10:57 हो गया, 10:57। यार ये बारिश का क्या है पता है, इसलिए गाली देने का मन करता है बट के दे नहीं सकते यार, ये मेरे को बहुत यार हट ले, रेनकोट तो लाया ऊपर, ये ऊपर की एसेसरीज है ना हमारी यार, बैग ये सब भीग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे रुकते हैं, कैप वैप पहन लेते, मास्क भी डाल देते, फिर चले जाएंगे। फिलहाल सब सेटअप बंद करते हैं, काम जब मैं काम से आऊँगा, काम के बाद में जब मेरा सब वहाँ का कैंप हो जाएगा तब मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों। तो गाइस देखो अभी है ना मेरा काम हो गया यहाँ से, मुझे लगा नहीं था इतना टाइम जाएगा, नेट भी बहुत स्लो था, काफ़ी गंदी तरीके से बारिश गिरी यार, और ऐसा बारिश का मौसम हो गया ना यार, बहुत डर लग रहा है मेरे को, पहले जाना पड़ेगा क्योंकि बैग में सब लैपटॉप वाला बैग में है, उसका चार्जर भी है, सब कुछ अपना बैग में है, अगर भीग जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो फटाफट निकलते हैं और बारिश आने से पहले भाग जाते हैं। अभी हम लोग लोकेशन पे आ गए, क्या है बताया हम लोग ने एक Insta360 के लिए अलग से एक माउंट मंगाया हैंडल बार के लिए, मेरा जो Insta360 का माउंट था ना उसके ऊपर स्टिक लगाता था ना, तब वो जब मैं स्पीड में भगाता हूँ तब हिल डुल जाता था। 360 स्टिक है ना, इंस्टा भी गिरने के चांसेस है और उसके साथ में स्टिक भी गिरने के चांसेस थे, तो मैंने अलग से एक माउंट मंगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजन से मैंने परचेस किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो
ये देखो पहले वाला मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पहले वाला ये है इंस्टा 360 का माउंट था, ये वाला ये भोजन के पास ये रहेगा। और अलग से मैंने ना ये वाला मंगाया है, तो इसका मैंने अलग से पहले से ही अनबॉक्सिंग करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हैंडल बार का माउंट है, इसके साथ ये मेरा पहले वाला टूल है, और ये इसके साथ में एलंकी वाला टूल आया था, तो मैंने पहले से अनबॉक्सिंग करके रखा था इसका। तो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये वाला हैंडल बार पे आ जाएगा, और इसमें अपना 360 स्टिक इसमें इंस्टा 360 स्टिक इसमें जाएगा। तो ये मैं हटाने वाला हूँ, और दोस्तों ये देखो मैं हटाने वाला हूँ, और दोस्तों अभी मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा इंस्टा 360 का स्टिक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले बाहर, और आपको जैसा चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरा पहले वाला यहाँ पे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से हम लोग ने माउंट किया खड़ा, और ये हम लोग ऐसा रोटेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एलंकी वाला बोल्ट दिया है, नट बोल्ट दिया है, और ये ऐसा आपको सीधा रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिप आता है, गिरने के चांसेस भी नहीं है। और आपको आगे करना है तो आप इसको ऐसे निकाल के फिर ऐसा स्टिक लगा सकते हो। तो देखो काफ़ी अच्छी तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो वाला हम लोग ने हटा दिया है, आप देख सकते हो। तो अभी ये वाला हम लोग इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे उस जगह पे, और देखते हैं। तो दोस्तों हो गया ये हमारा, काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है, और हम लोग अभी कैसे भी रोटेट कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे इसको पहले टाइट कर देते, क्योंकि ये हमारा वीडियो तो ज़्यादा करके रिएक्शंस का रहता है, तो यहाँ पे हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया है।
अभी इसको थोड़ा टाइट कर देते नहीं तो ये मतलब अगर हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे तो आवाज़ आएगा उसमें से। और नंबर प्लेट का कुछ सोचना पड़ेगा हम लोग को, नंबर प्लेट हम लोग हटाएंगे। नंबर प्लेट नीचे बिठाएंगे हम लोग, हो गया टाइट। इसको हम लोग को हैंडल के लिए कुछ अलग से रबर वबर डालना पड़ेगा, नहीं तो ग्रिप बैठेगा नहीं पूरा। ये इसके साथ कुछ आता नहीं है, आता होता तो अच्छी बात होती। और टाइट करना पड़ेगा, चलो ठीक ठाक है। तो ये अपना ओल्ड वाला था, और वो वाला नया हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया वहाँ पे। देखो अभी कैसे हम लोग है ना, अच्छा वाला रिएक्शन शूट कर सकते हैं अभी। तो इसको पहले रख देते हैं हम लोग साइड में, बारिश भी आ रही है, तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। चलो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।